तो जैकलिन को दिए एक एक तोहफे की कीमत लाखों में है। अब आपको बताते हैं सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को तोहफे में क्या क्या दिया। इनमें सबसे ऊपर है एस्पुला नाम का एक घोड़ा, 3 डिजाइनर बैग, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, गुची और शनेल के बैग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जैकलिन को सुकेश ने 2 जिम आउटफिट्स भी दिए, ये भी गुची के, लुई विटॉन के जूते गिफ्ट किए, आमिर्स के 2 ब्रेसलेट भी तोहफे में दिए, जैकलिन को हीरे के 2 इयररिंग्स भी सुकेश ने गिफ्ट में दिए, और इसके अलावा कई तरह के कीमती रत्न यानी कि जेमस्टोन्स भी सुकेश ने जैकलिन को दिए थे। और ये बात जैकलिन ने ईडी के सामने कबूल भी की है। ये तोहफों का वो जाल है जिसमें जैकलिन फंस गई, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन तक पहुंचा कैसे? अब हम आपको बताते हैं कि इस केस के लिए ईडी ने 178 लोगों को गवाह बनाया है। केस में 8 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। गवाहों की लिस्ट में 44 नंबर का नाम शान मुठखील का है, जबकि गवाह नंबर 45 है नोरा फतेही। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर के इतिहास को भी शामिल किया है। अब आपको बताते हैं सुकेश के जाल में कैसे फंसी जैकलिन। इस ट्रैप की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन तक पहुंचने के लिए रास्ता कैसे बनाया, किसकी मदद ली, क्या जाल बिछाया? सुकेश 2020 से जैकलिन के संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था। 2021 में जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट को उसने फोन किया। ये फोन सरकारी अधिकारी बनकर किया गया। फोन पर शेखर रत्न वेला से मिलने की बात कही। सुकेश ने अपनी पहचान शेखर रत्न वेला बताई। जैकलिन ने शेखर रत्न वेला से बात की जो सुकेश ही था। यही वो ट्रैप था। सुकेश ने खुद को सन टीवी का मालिक बताया। सुकेश ने खुद को जयललिता का रिश्तेदार भी बताया। सुकेश ने जैकलिन को साउथ फिल्मों का ऑफर दिया। फरवरी के बाद लगातार व्हाट्सएप कॉल पर बात होती रही। सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों के गिफ्ट दिए। तो बकायदा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें नाम है। जैकलिन ने यह बात कबूली भी है। जैकलिन ने बात कबूली है कि उसने करोड़ों रुपए के गिफ्ट जो हैं वो सुकेश से लिए हैं। नोरा फतेही जो कि फिलहाल गवाह बन चुकी हैं इस पूरे केस में करोड़ों के गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन इस पूरी चार्जशीट में दोनों का नाम है। एक तरफ जैकलिन का जिन्होंने करोड़ों की गिफ्ट लेने की बात कबूली, दूसरी तरफ नोरा फतेही जो कि इस पूरे केस में अब गवाह बन गई। करोड़ों का खर्च, लाखों के तोहफे, जेल से बिछाया गया वो जाल जिसमें फंस गई जैकलिन फर्नांडिस। लेकिन जेल के अंदर से 200 करोड़ की वाही के मुख्य आरोपी चंद्रशेखर ने ऐसा क्यों और कैसे किया, इस बात का खुलासा खुद जैकलिन ने ईडी की पूछताछ में किया है। जैकलिन फर्नांडिस ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर उसके पीछे पागल था। जैकलिन से जब पहली बार बात हुई तो सुकेश ने ये कहा कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। जैकलिन से बात करने और उससे मिलने के लिए सुकेश दिसंबर 2020 से ही कोशिश कर रहा था। वो लगातार जैकलिन को जेल के अंदर से फोन कर रहा था, लेकिन जैकलिन ने कभी उसके फोन का जवाब नहीं दिया। जैकलिन ने ईडी की पूछताछ में ये बयान दिया है, जब जैकलिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो ग्लैमर और खूबसूरती पर फिदा सुकेश चंद्रशेखर ने दूसरा पैंतरा अपनाया। जब जैकलिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो फरवरी 2021 में उसके मेकअप आर्टिस्ट शान मुठखील के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और बोला कि जैकलिन को मिस्टर शेखर रत्न वेला से जरूर मिलना चाहिए, वो बहुत खास व्यक्ति है। जिसके बाद जैकलिन ने सुकेश से, जिसने अपने आप को शेखर रत्न वेला बताया था, से संपर्क किया। सुकेश ने जैकलिन को बताया कि वो सन टीवी का मालिक है और जयललिता की पार्टी से जुड़े हुए एक खास परिवार का सदस्य है।
सुकेश जानता था कि उसे जैकलीन तक कैसे पहुंचना है। उसने जैकलीन को साउथ की फिल्मों के लिए ऑफर दिए, ये बोलकर कि उसके पास सन टीवी के कई प्रोजेक्ट लाइनअप है। जिसके बाद सुकेश लगातार अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जैकलीन से बात करने लगा। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को महंगे महंगे तोहफे भी दिए जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है। सुकेश ने जैकलीन को सुकेश तपोरिया नाम के शख्स के जरिए एस्पुएला नाम का एक महंगा घोड़ा तोहफे में दिया, जिसके साथ जैकलीन ने तस्वीर भी शेयर की थी। इसके अलावा गुची और शनेल के 3 डिजाइनर बैग, गुची के 2 जिम वेयर, लुई विटॉन के जूते, 2 जोड़ी हीरे के इयररिंग्स, 2 अर्मीज ब्रेसलेट्स और कई कीमती रत्न भी दिए। जैकलीन ने ईडी को दिए अपने बयान में बताया कि सुकेश ने उसको मिनी कूपर गाड़ी भी गिफ्ट की थी, जिसको उसने वापस कर दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी के सामने जैकलीन को ब्रांडेड गिफ्ट और ज्वेलरी देने की बात कबूली है, जिसकी कुल कीमत 7 करोड़ रुपए है। यही नहीं, सुकेश ने जैकलीन की बहन को 1,80,000 अमेरिकी डॉलर और एक सफ़ेद रंग की BMW कार दीपक रमनानी के जरिए दी थी। इसके साथ ही सुकेश ने दीपक रमनानी के जरिए ही जैकलीन की मां को भी एक महंगी कार गिफ्ट की थी। सुकेश ने जैकलीन के भाई के अकाउंट में 50,000 अमेरिकी डॉलर भी ट्रांसफ़र किए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है। मैंने पहले भी ऑन इंस्ट्रक्शंस बयान किया था कि सुकेश चंद्रशेखर एंड जैकलीन फर्नांडिस वर डेटिंग, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, दे बोथ वर डेटिंग। पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले किया जा रहा है। जब जब बड़े लोगों का नाम सामने आता है, सब अपने आप को विक्टिम बताते हैं। ऐसे ही मेरा तो ये भी मानना है कि इस मामले में जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है वो भी विक्टिम नहीं है। ये बातें ट्रायल की है, हम ट्रायल में प्रूव करेंगे। चार्जशीट आ चुकी है, ट्रायल येट टू स्टार्ट है, वी आर वेटिंग फॉर इट। अब आपको बताते हैं कैसे सुकेश की तरफ से जैकलीन को स्पूफ कॉल करवाई गई। हैरत की बात यह है कि जैकलीन को गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर फर्जी कॉल करवाई गई। आखिर क्या होती है स्पूफ कॉल, इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी की जांच में सामने आया कि सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस को स्पूफ कॉल किया करता था। असल में स्पूफ कॉल एक ऐसी कॉल है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल करता है तो उसमें उसके नंबर की जगह किसी तीसरे व्यक्ति का नंबर उसमें दिखाई देता है, जो नंबर किसी का भी हो सकता है। वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कॉल करने वाले पे कि वो क्या नंबर डालता है जो कि रिसीवर के फ़ोन पर दिखता है। अब स्पूफ कॉल होती कैसे, अब इसका एक बार हम लोग देखिए गणित देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आया योर मोबाइल नंबर, द नंबर कॉल विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे आप फ़ोन करेंगे लेकिन वो नंबर दिखाई नहीं देगा, उससे खाली चार्जेस कटेंगे। तो यहाँ पर अभी हम नंबर डाल दे रहे हैं, जो नंबर इस समय हम लोग के पास मौजूद है, देखिए ये एक नंबर हम लोग ने डाल दिया है। अब दूसरा ये आए योर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर, यानी जिसको आपको फ़ोन करना है। अब सारी खेल यहाँ से शुरू होने लगता है कि जिसको फ़ोन करना है, यहाँ पे जिसको फ़ोन करना है, फिर जिसको शिकार बनाना है। अब यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ये ऊपर वाला नंबर हमारे सहयोगी का है, और यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया कि मेरे पास फ़ोन आए। अब आया नंबर टू डिस्प्ले, या देखिए लिखा हुआ है द नंबर टू बी डिस्प्लेड एज द कॉलर आईडी। कॉलर आईडी यानी जिसके पास भी इनकमिंग कॉल आएगी उसके पास ये कॉलर आईडी दिखाई देगी, ये नंबर दिखाई देगा जो मैं इसके ऊपर डालूंगा। या देख लीजिए सबसे लिखा हुआ है द नंबर टू बी डिस्प्लेड एज अ कॉलर आईडी। अब यहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल नंबर डालने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने नंबर लिया है 9810। ये नंबर मेरे पास मौजूद नहीं है, मुझे ये भी नहीं बताया नंबर किसका है, लेकिन सिर्फ एक बार रियलिटी चेक करने के लिए, एक बार आपको दिखाने के लिए ये नंबर हम लोगों ने डाल दिया। अब इसने मांगा कैप्चा, जिस तरह से और वेबसाइट्स भी कैप्चा मांगती हैं, तो यहाँ पर भी यही कैप्चा की सुविधा है। अब इसके बाद हम लोगों ने इस पर ओके करा, और आप ये देखिए ये मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी, मेरा फ़ोन बजने लगा, यही नंबर है 98, जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था सेम यही नंबर है जो मेरे फ़ोन पर इस समय बज रहा है, ये आप देखिए 981। तो इस तरह से स्पूफ कॉलिंग इस समय करी जा रही है, जिसका साइबर अपराधी से लेकर जो अन्य अपराधी हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।